हेलो दोस्तों, मैं मदारी आप लोगों के सामने एक बार फिर से। काफ़ी समय लग गया दोबारा आने में, क्योंकि ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हो थोड़ा समय लगता है भाई यार किसी चीज़ में। तो किया है आप लोगों की पसंद के हिसाब से, उम्मीद करके कि आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मैं नए कपड़े पहने, मैंने वाइट शर्ट पहनी है। कहते हैं ना, जब एयरपोर्ट पे बंदा पहली बार जाता है तो सस धज के जाता है। हाय, मैं यूट्यूब पे हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सस धजना बनता था। धीरे धीरे जैसे हैबिचुअल होता जाऊँगा कपड़े सड़ते जाएंगे मेरे। बात कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, जब इतना कुछ करूँगा तो मैं शर्टें भी नई नई खरीदा करूँगा पक्का। तो ये तो रही मजाक की बात, आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद मिला हूँ इसलिए भावों में बह गया। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, जो कि मेरा मेन मुद्दा है। आजकल देश थोड़ा सा अपना, मेरे को लगता है, सही दिशा में नहीं जा रहा है। उसी के लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा समझ आए आप लोगों को। मिन्नतें क्या क्या न मांगी इक तेरे दीदार को, झूम कर दे दूं क्या तोहफा उस सलामे यार को। सर चढ़ी है एक खुमारी झूमता मैं फिर रहा, सर चढ़ी है एक खुमारी झूमता मैं फिर रहा, लाख तोहमत लग रही हैं तेरे मेरे प्यार को। ये पोएट्री मैंने उन देशवासियों के लिए लिखी है जो प्रेम में पड़ गए हैं, जो प्रेम में पड़ गए हैं उसके, जिसका आज तक सिर्फ जिक्र सुना है, कभी देखा नहीं। हाँ, उम्मीद ऐसी है कि वो साक्षात मौजूद है। ऐसे देशवासियों के लिए जो प्रेम में पड़ गए हैं उसके, अब शाश्वत मौजूद तो पूरा अंदर से भरोसा है उसे, लेकिन फिर भी मिन्नतें मांग रही है एक बार उसके दर्शन हो जाएं, एक बार उसके दरस दिख जाएं। मिन्नतें क्या क्या न मांगी इक तेरे दीदार को, झूम कर दे दूं क्या तोहफा उस सलामे यार को। सर चढ़ी है इक खुमारी झूमता मैं फिर रहा, सर चढ़ी है इक खुमारी झूमता मैं फिर रहा, लाख तोहमत लग रही है तेरे मेरे प्यार को। कह रहा है, कह रही है, कुछ भी आप स्वच्छंद हैं इसमें अपना लिंग खोजने के लिए, कि आप इस पूरी पोएट्री को किस नजरिए से देखते हैं, पुरुष के नजरिए से या स्त्री के नजरिए से, जिसमें भी आपका आनंद हो लें। एक बार बस उसके दीदार हो जाए जिसे दुनिया सलाम ठोकती है। क्या तोहफा दे दूंगी उसे, उसे पता भी नहीं है। और वो ये गाती गाती, ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं हो रहे हैं तो रूठी पड़ी है, वो ये गाती गाती नाचती हुई घूम रही है कि तेरे दर्शन हो ही जाएंगे, मुझे तो पक्का पता है। और लोग उसे पागल कहने लगे अब कि ये पागल हो गई है, ये गलियों गलियों नाचना शुरू हो गई है। लाख तोहमत लग रही है तेरे मेरे प्यार को, कि पगली किसके लिए घूमती फिर रही है, जो हम उन्होंने ही बताया कि परमात्मा होता है, और वही उसे कह रहे हैं पगली उसके लिए घूमती फिर रही है जो होता ही नहीं। ऐसा मिला है क्या किसी को? अब हो क्या रहा है, किसी ने बता दिया उस ठोर मिलेगा, उस मंदिर चली जा, वहां पे बड़े पहुंचे हुए साधु आए हुए, कहते हैं परमात्मा के दर्शन हुए हैं उन्हें, एकदम आंखों में झलक दिखती है, भागी है उस ओर के वो मिला देगा। झूम के आया है सावन, अभी खबर ही आई है बस कि कहीं कोई है वहां। झूम के आया है सावन हर कली ये गा रही, दूर वादी से कहीं आवाज तेरी आ रही। उसने पुकारा भी नहीं है, ये सुन रही है, अपने ही आप एक दुनिया गढ़ रही है कल्पनाओं में कि वो वहां है और वो कर क्या हो रहा होगा, वो पुकार रहा होगा बस इसे,
ये खुद सोच रही है, दूर वादी से कहीं आवाज तेरी आ रही, ढूंढता मन है मेरा तेरे ही मल्हार को। जैसे ही सबसे पहले आवाज आती है ना पी की, तो मन भागता है, तुम तो बाद में मन को पकड़ने भागते हो। जैसे ही पी की आवाज सुनी मन गया, और तुम्हें मजबूरन अब जाना पड़ेगा पीछे, वरना तो प्रेम किस चीज का। ढूंढता मन फिर रहा है तेरे ही मल्हार को, लाख तोहमत लग रही है तेरे मेरे प्यार को। और गई वहां और कुछ भी नहीं पाया, मिला होगा जिसे मिला होगा, आंखों में वजन होगा जिसकी होगा, इसकी में तो कुछ है नहीं, इसे तो नहीं मजा आया भाई, क्योंकि इसे तो खुद देखना था, वो नहीं मिला भाई, इसे वहां पे भी नहीं मिला। और अब फिर से तोहमत लगी कि तेरे को उनकी आंखों में नहीं दिखा, तेरे से बड़ी पागल तो कोई नहीं है, उनकी आंखों में तो दुनिया को दिख गया, ओशो ने तो अच्छे अच्छों को तरा दिया, तेरे में ही निकम्मे साले, तेरे में ही दिक्कत होगी जो ओशो तेरे को नहीं तरा पाया। अच्छा भाई, ओशो की नजरों में होगा होगा, उस बाबा की नजरों में होगा होगा, मीरा को तो नहीं मिला भाई। फिर तोहमत लगी वहां से, लाख तोहमत लग रही है तेरे मेरे प्यार को। अब उसे भी यकीन हो गया कि ये शायद होता ही नहीं, अब तो जो प्यार में पड़े वो भी कह रहे हैं मेरे को पागल, जो प्यार में नहीं है जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं मुझे पागल, मतलब कि होता ही नहीं है। अब अपने आप को दोष दे रही है, बेगुनाह मैं भी नहीं प्यार तुझसे जो किया, मतलब कि मैं तेरे लिए भागी हुई आ रही हूं, क्यों आ रही हूं मैं, इसके लिए तेरे को तो दोष दे नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं तुझसे प्यार करती नहीं तो मैं भागती भी नहीं, कोई दुखी नहीं था फिर तो, मेरा भी उतना ही गुनाह है। बेगुनाह मैं भी नहीं प्यार तुझसे जो किया, जब भी पूछा कौन हूं मैं नाम तेरा ही लिया। अब बात थोड़ी घूमी, अब वो कह रही है कि तेरी जितनी भी बदनामी है ना वो भी मैं अपने ही सर लेती हूं, क्योंकि जब भी कोई मुझसे पूछता था, अगर तू बदनामी के डर से भी नहीं आ रहा है कि क्या होएगा, मैं बदनाम करके रखा हुआ है, तब भी उसका मैं अपने सिरे ले रही हूं सब कुछ, मैंने किया है बदनाम, कोई भी मुझसे पूछता था मैं फटाक से कहती थी तेरी हूं, तेरी हूं का मतलब तूने अपनाया चाहे नहीं अपनाया, मैंने खोल दी बात, तो तेरी अगर बदनामी भी हुई है ना इससे तो मैं उसकी दोषी हूं, मेरे को मंजूर है वो भी कि तू मुझे कह मैं तेरी वजह से बदनाम हूं। अब कहते हैं कि तेरी कैद में पड़ी हूं, और इस कैद का एक नियम है कि मुजरिम है ना जेलर से मिलने नहीं जा सकता, जब भी आएगा जेलर ही आएगा मुजरिम से मिलने, अब मेरी कैद तेरे हाथों है, तेरी तूने तेरी सजा भुगत रही हूं, इसी उम्मीद में कि इस जेल में कभी तो तू आएगा मुझे देखने कि हाल कैसे है। मैंने इस कारागार को ही सजा दिया, मैंने फूल खिला दिया यहीं पे, मैंने यहीं पे एक अलग दुनिया बना दी तेरे आने की। बेगुनाह मैं भी नहीं प्यार तुझसे जो किया, जब भी पूछा कौन हूं मैं नाम तेरा ही लिया, तेरे आने की खुशी में सजाया कारागार को, लाख तोहमत लग रही है तेरे मेरे प्यार को, लाख तोहमत लग रही है तेरे मेरे प्यार को। अभी भी जेल में लोग मुझे पागल कह रहे हैं, किस कोठरी में पागल रहती है, कभी कुछ करती रहेगी कुछ चिपकाती रहेगी, क्योंकि वहां कोई फूल थोड़ी है, वहां तो है क्या, वहां पे फटी हुई एक चादर जिसे मैं कभी यहां बांधती हूं कभी वहां बांधती हूं। जेलर भी यूं कहते पगली है साली ये, इसे कुछ नहीं पता, अंधी मरेगी ये तो, इसे तो फिजूल में रखा हुआ है, इसे तो गोली मार दो मार दो, लेकिन जेलर को ही देना वो बंदूक जिससे मुझे मारा जाए, और जब जेलर मुझे मारने आएगा ना तो कहीं ना कहीं इस चद्दर की ऐसी जगह बनेगी कि बात बन जाएगी, उसे अच्छी लगनी चाहिए बस। अब भी लोग मुझे तोहमत ही दे रहे हैं जेल में भी। ये पहला भाग था जो मैंने इस पोएट्री का आप लोगों से डिस्कस किया, सजाए मौत होनी है सबको पता है, इसमें गर्दन किसी की बचती नहीं, इश्क किया है पगली ने, तो
अगली बार आप लोगों से इसके विषय में बिल्कुल डिस्कस करूंगा। चंद लाइनें आपको अगली वाली पोएट्री की बता देता हूं क्या है। सज के बैठी हूं चिता पर बाट तेरी जोहर ही। आप लोग जानते हैं मेरे फेसबुक पे ये पोएट्री पूरी पड़ी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं, और मैं अगली बार इसे एक्सप्लेन ज़रूर करने आऊँगा। आप लोगों से अभी जाने की इजाज़त चाहता हूँ। एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा मेरी शर्ट कैसी लग रही है और मेरा लुक कैसा है, क्योंकि इसी के आधार पर हम निर्णय करेंगे कि मुझे अगली बार कैसे आना है। धन्यवाद, आप लोगों से जाने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं बता रही हूँ।